Hey friend, good morning and welcome back to the channel. मैं हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए रेडी और कृष्णा जी आके चिपक लिए हैं. कृष्णा जी को मम्मी को ऑफिस नहीं जाने देना है और ये रो रहे हैं कि उनको ऑफिस जाना है मम्मी के साथ में. मम्मा ऑफिस ना जाए ऑफिस ना जाए मम्मा. जाओ आंटी के पास जाओ आंटी के पास जाओ. अभी देखना इसका नाटक चालू. जाओ होता है, जब आपके पास छोटा बच्चा होता है और आपको ऑफिस जाना होता है. इधर देखो. और एंड मौके पे जो है बच्चा रोने लगे. देखो ये क्या और यहाँ पे मैं कृष्णा को छोड़ ला रही थी उसके बाद में ताकि वो थोड़ा सा जो है मतलब रहने जाए क्योंकि रोने लगा था ऑल ऑफ सडन वो. तो बस यहाँ पे उसको सारी चीजें दिखा रही थी ताकि जो है वहाँ पे बिजी हो जाए और मैं निकल जाऊँ ऑफिस. बट स्टिल उसकी निगाहें जो है वो मम्मा के ऊपर लगी हुई थी. सो यू नो कभी कभी मुझे बहुत खराब भी लगता है कि यू नो छोटा सा बच्चा है उसको मैं छोड़ के कहीं जा रही हूँ. बट क्या ही कर सकते हैं. ये क्या है? जितना दिन छोटा है थोड़ा दिन तो अभी रोएगा. सो बस इस तरीके से जो है चल रहा है अभी. चलो अब मम्मा जाए मम्मा. अब तुम खेलो यहाँ पे. तुम खेलो मम्मा जाए ऑफिस. बाय बोलो मम्मा को. बाय बाय करो. बाय 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 काना. बाय बाय. गुगू कहाँ चला गुगा? भैया की साइकिल. नहीं लो भैया की साइकिल. नए लोग भैया की साइकिल. तो मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से वापस और आप देख सकते हैं कृष्णा की शरारतें. और यहाँ पे मेरा गुग्गा जो है वो छोया हुआ है. ये मेरा गुग्गा छोया हुआ है. ये बुग्गा छोया क्यों हुआ है? बुग्गा उठो. सो अभी आदर जी सो रहे हैं. स्कूल से आने के बाद काफी बेचारा थक जाता है ये. इसकी वजह से अभी सो ही रहा है मेरा बुग्गा. ये मेरा बुग्गा छोटा सा बुग्गा है ये. तो ये अभी साफ सो ही रहे तो. और कृष्णा जी को आपने देख ही लिया क्या शरारत करते. अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ बड़ी गजब की चीज है. रुकिए मैं आपको दिखा दी थोड़ी देर में. सो गाइस ये जो टी शर्ट है जो कृष्णा की है और ये जो आरव ने पहन रखी है ये जो है टी शर्ट कृष्णा की है. ये अभी हमने नई नई टी शर्ट कृष्णा के लिए खरीदी और ये आरव को पहना दी गई. सोचो कि एक साल के बच्चे की टी शर्ट. प्रिया तुम क्या की हो ये? तुमने कृष्णा की टी शर्ट आरव को पहना दी है. ये देखो जरा. तो गाइस कृष्णा ने ये टेबल तोड़ दिया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इतनी जोर से धक्का दिया कि लेग जो है इसे तोड़ दी. और अब ये साहब चले टेबल को फिक्स करने के लिए. ये इतना शैतान बच्चा है कि इसने टेबल ही तोड़ दिया है अभी. Whoever doesn't listen, if Arab doesn't listen. और अब ढोलक बजा रहा. देख रहे हो ढोलक बजा रहा. टेबल तोड़ दियो तुम टेबल. देखो तुझे क्या कर रहा है ये. अब गुंडा बन रहा है. टेबल को तोड़ दिया गुंडा बन रहा है. देखो जरा. नहीं 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 यार अब नहीं. बैट है वो तुम्हारा. बैट है क्या? He's going to fix it. Fix karo chalo. Fix it. Yes, go and fix it. We bring the toolkit. We will go and fix it fast. Arab, go beta, bring fix the toolkit. Fix karo jaldi se. You bring papa. You bring beta, you will help your father. Krishna fix and karega. I will teach you how to open it. Go and fix it. Yes, fix what karo table ko. Teach me how to open it. Fix karo table ko. फिर टेबल गिराएगा. देखो फिर गिराने के आई है. फिर गया है गिराने के लिए लड़का.
सो दोस्तों, एक टांग तो कृष्णा जी ने तोड़ी थी टेबल की, और अब वो उस जुगाड़ में थे कि दूसरी वाली कैसे टूटे। तो वो पूरा का पूरा कोशिश कर रहे थे कि वो दूसरी वाली टांग भी जो है तोड़ के एक जो है भैया ले ले, एक वो ले लें। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है बच्चों ने क्या करामात की है, कि मतलब इतना अच्छा बढ़िया सा टेबल का टांग ही तोड़ दिया इन्होंने आज, और उसके बाद में उस टांग के लिए फाइटिंग हो रही है यहाँ पे। सो गाइस, जिसके घर में छोटे बच्चे वो रिलेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, कि किस तरीके से बच्चे जो है शरारतें करते हैं। तो बस यहाँ पे जो है एक नुकसान कृष्णा जी ने कर दिया, तो अब नया टेबल भी लेकर के आना ही पड़ेगा। कृष्णा, गुड मॉर्निंग। कृष्णा इज गोइंग टू पार्क, कृष्णा इज गोइंग टू पार्क ऑन वीकेंड। ये हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल के शूट के बाद में आज मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल कुछ भी शूट नहीं कर पाया। आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है। सो कल जो है बहुत बिजी हो गई थी, और फिर टेबल वेबल कृष्णा ने तोड़ दिया, फिर सब कुछ ठीक ठाक करने में टाइम लग गया, खाना वाना खा के फिर हम सो गए थे। सो बस अब है, आज है सैटरडे, और सुबह सुबह हम जो है उठ चुके हैं, बच्चे भी उठ चुके हैं सारे के सारे। तो बस यही प्लान है कि इनको आज पार्क में लेके जाते हैं, क्योंकि वैसे तो जनरली आना स्कूल चला जाता है डेली, और कृष्णा तो खैर पार्क जाता ही है, लेकिन आज जो है हम चारों पार्क जा रहे हैं एक साथ में। और यहाँ कृष्णा जी जो है अपना बैठे हुए हैं आराम से, पार्क जाने के लिए बैठे हुए हैं, और आरव गया अपनी साइकिल लेने के लिए। सो अपने वो साइकिल लेकर के आएगा, और वो साइकिल की राइड करेगा, और हम जो है ऐसे ही एक राउंड मारेंगे, और कृष्णा खेलेगा पार्क में। तो आज का वीकेंड का शुरुआत सुबह सुबह ही हो चुका है ऑलरेडी। खुश हो रहा है बाहर निकल करके। सो बस शुरुआत हो चुकी है आज के वीकेंड की, और देखते हैं आज दिन भर में हम क्या करेंगे। सो बस आज तो वीकेंड का मतलब आपको पता ही है कि भाई हम लोग सारी ग्रॉसरी शॉपिंग ये सारी चीज़ें ही करते हैं, घर की जो भी छोटा मोटा काम होता है वो सब खत्म करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पार्क, आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं सुबह सुबह जो है कितना सुंदर ये नेचर लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, सनलाइट आ रही है, बहुत सुंदर। उस दिन कल आपको मैंने रात का व्यू दिखाया था पार्क का, और ये आज का दिन का व्यू है पार्क का। सुबह के बज रहे हैं 7:30, और ये देखो कृष्णा जी हमारे बैठे हुए हैं। कृष्णा, कृष्णा क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, कहाँ आए हो पार्क में? सो गाइस, बहुत सारे लोग आए हुए हैं पार्क में ऑलरेडी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सनलाइट है, वेदर भी काफ़ी अब अच्छा इम्प्रूव हो चुका है, इतनी गर्मी नहीं है अभी, हवा चल रही है हल्की हल्की सी, और ये ग्रीनरी देख करके तो मतलब दिल ही खुश हो गया है। आरव भी गया उधर अपने पापा के साथ में वॉक करने के लिए, मैं और कृष्णा यहाँ पे आके बैठे हुए हैं अभी सुबह सुबह पार्क में। यस, गो गो गो। और गाइज, डे के टाइम पे यू नो वो जो मैंने कल आपको लेक दिखाई थी, उसे सारे डक्स जो है सब खेल रहे हैं पानी के में जा करके, बड़ा ही सुंदर देख के लग रहा है। यू नो डक्स भी जो है बड़े खुश हो रहे सुबह सुबह के टाइम पे। तो ये टाइम ही ऐसा होता है सबके लिए, अच्छा अच्छा होता है। और ये मेरा कृष्णा जो है जा रहा है वॉक करने के लिए। गुड मॉर्निंग कृष्णा, खड़े जाओ, खड़े जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप कृष्णा। खुश हो रहा है कृष्णा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये घास वास जो है उसके लिए सब नई चीज़ें हैं उसको, अभी हम मतलब इस सीज़न में फर्स्ट टाइम जो है अभी हम मतलब डे टाइम में से पार्क में लेकर के आए हैं। लास्ट ईयर तो बहुत छोटा था, अब थोड़ा वेदर चेंज हो रहा, तो अब वीकेंड पे जो है सोचा इसको लेकर के आया करेंगे दोनों बच्चों को, ताकि ये लोग खूब इन्जॉय करें, ये भी अपना देखें ग्रीनरी वगैरह। मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है कृष्णा को। तो दोस्तों, यहाँ पे आरव जो है वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पेड़ पे तो आज तक कभी चढ़े नहीं है लाइफ में, फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहे थे और चढ़ नहीं पा रहे थे। मैं उसको बार बार बोल रही थी कि ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। हम लोग बचपन में ये सारी चीज़ें किया करते थे, और अब हमारे बच्चे सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो अच्छा भी है, मतलब बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें मतलब नई नई डेवलपमेंट्स तो होनी चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पे जो है आरव जो है अपना डिमांड कर रहे थे कि मम्मा एक मैग्नेट आता है उसको फिक्स करके ऊपर चढ़ने के लिए वो ला के दे दो मेरे को। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेक है यहाँ का, ये पार्क का नाम है लेक पार्क। और जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि वो रात का व्यू था, अभी हम सुबह के टाइम पे आए हुए हैं, और यहाँ पे जो डक्स हैं वो इतनी खुश हो रही थी पानी के अंदर, खेल रही थी और झुंड बना के पानी के अंदर, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अपना तैर रही हैं। सो सुबह सुबह के टाइम पे वेदर अच्छा था, और लोग भी बहुत सारे आए हुए थे, डक्स भी बड़ी खुश थी, और यू नो सुबह के टाइम पे ये ग्रीनरी, पानी, डक्स, ये सब देख करके खुद ही मतलब बहुत पॉजिटिविटी सी आती है, एक पॉजिटिव वाइब सी आती है आपको।
तो हम भी जो है इस सीज़न में अभी फर्स्ट टाइम ही आए थे सुबह के टाइम पे, मतलब लेकिन अब सोचा है कि अब रेगुलरली आया करेंगे यहाँ पे। और आरब भी यहाँ पे अपना खुश रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये बैठी थी किटन जी, कितनी वाइट सी सुंदर सी किटन थी, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और कैसे घूर घूर के मुझे देख रही है, लग रहा है कि मतलब कूद ही जाएगी मेरे ऊपर ये। और मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी फिर भी ये भाग नहीं थी, आराम से बैठी हुई थी। तो ये भी बड़ी सुंदर सी है, कितनी प्यारी सी है वैसे तो। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से जो है कृष्णा जी अपना आराम से खड़े होकर के डक्स देख रहे थे। तो कृष्णा तो मतलब इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, उसको इतना मज़ा आ रहा था, उसको हमने नीचे उतार दिया था प्रैम से, और वो अपना भाग भाग करके जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ छोटे छोटे बच्चों को देख रहा था, खुश हो रहा था, डक्स को देख रहा था, कैट्स को देख रहा था, सबको देख के उसको बहुत खुशी मिल रही थी और काफ़ी इंजॉय किया बच्चों ने दोस्तों। तो अभी वेदर अच्छा हो गया, आप सब लोग भी जो है अपने बच्चों को लेके जाया करें बाहर। तो हे गाइस, गर्मी आप देख सकते हो, गर्मी हो गई आके बाहर, काफ़ी धूप भी लग रही है अब तो, क्योंकि 9 बजने वाले हैं और हम आ गए हैं कॉर्निश साइड पे। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस घर, काफ़ी घूमना फिरना हो गया। कृष्णा बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय कर लिया, काफ़ी आपने देखा होगा कृष्णा तो बड़े ही मज़े कर रहा था लेक साइड में, डक्स वगैरह देख रहा था। और बस अब हम जा रहे हैं घर और चलते कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद में देखते हैं आज का वीकेंड का प्लान क्या बनता है। वीकेंड की शुरुआत तो खैर बहुत अच्छे से हो गई है और छठ की भी शुरुआत हो गई है। हम जीवन तो छठ नहीं करते हैं, लेकिन हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू जो जो भी छठ सेलिब्रेट करता है। सो बस गाइज, आज का व्लॉग भी करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय, सी यू विद द ओल्ड व्लॉग, बाय। सो गाइज, आप भी इंजॉय करिए यहाँ अबू धाबी का ये कॉर्निश, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।